बिहार की सियासत में बहुत बड़ा उठापटक होने वाला है। महागठबंधन में अब टूट साफ साफ नजर आ रही है। खबर है कि मांझी अब अपना अलग रास्ता लेने का मन बना चुके हैं। मन मुताबिक सीट नहीं मिलने से मांझी नाराज हो गए हैं। देखिए, हमारी ये मांग नहीं है, हमारी मांग व्यक्तिगत अगर होती तो मैं कह देता, ये हमारे कोर कमेटी का निर्णय, हमारे सभी जिला अध्यक्षों का निर्णय और आज हमारे कार्यकारिणी के जो निर्णय है यही है कि किसी भी घटक दल से हमको एक सीट ज़्यादा मिलना चाहिए। अब उसके बाद अगर मिलता है देन ऑल राइट, अगर नहीं मिलता है तो अधिकृत किया गया है लालू प्रसाद जी से बात करने का। लालू प्रसाद जी से बात अब अंतिम हमारी होगी, उनको कहेंगे कि आप अब खुल करके बताइए और नहीं तो फिर अपना रास्ता हम उनके बाद लेंगे, तब आप लोग कहेंगे कि क्या मेरा रास्ता है। मांझी की नाराजगी क्या महागठबंधन को भारी पड़ेगी? क्या मांझी महागठबंधन को छोड़ देंगे? क्या वो वापस एनडीए में जाएंगे? क्या वो पीएम मोदी के साथ जाएंगे? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तो फिलहाल नहीं मिलता दिख रहा, लेकिन उनके तेवर से महागठबंधन की हवाइयां उड़ी हुई हैं। मांझी का कहना है कि अब आखिरी फैसला लालू यादव को करना है। बात मानी जाएगी, निश्चित बात को इग्नोर किया गया? नहीं, बात के लिए बुलाया नहीं गया कि आप आइए बात करिए, आप पब्लिक मैंने उस डोमेन में नहीं जाकर के मीडिया डोमेन में आकर के ये बात रखनी पड़ी? नहीं, देखिए, इग्नोर करने की बात नहीं है, हमारी अहमियत को लालू प्रसाद जी खूब जानते हैं और ये बात सही है कि जब उनको गठबंधन के संबंध में बात करनी है, सब लोगों से बात करनी है, उसके बाद हमसे बात करेंगे, ये हम कैसे कहेंगे कि हमको बुलाया नहीं गया है। आप बहुत सी बातें ऐसी होती है जो नहीं कही जाती है, लेकिन आज ये अंतिम बात है कि अगर एक दो तीन चार दिन के अंदर हम उनसे मिलेंगे और अंतिम बात करके आएंगे, उसके बाद आप लोग पूछिएगा तो सारी बात हम बता देंगे कि हम कितना सीट पर हैं। खुला हुआ है, अगर बात आपकी नहीं मानी जाती नहीं, ये अगर मगर में ये बात नहीं हो सकती है, चूँकि ये संवैधानिक मामला है, इसको एकदम खुला रूप में बात करेंगे उनसे बात करने के बाद। जाहिर है ये चुनाव से पहले महागठबंधन के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। इससे पहले खबरें थीं कि लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए ने अपने घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा तो कर लिया, लेकिन तीनों दलों के बीच सीटों की पहचान नहीं हो पा रही थी। एनडीए ने इसके लिए 3 मार्च की पटना रैली तक का इंतजार करने का फैसला किया था। वहीं महागठबंधन एनडीए में होती देरी से खूब मजे ले रहा था। दूसरी तरफ महागठबंधन में सीटों का बंटवारा ना होना महागठबंधन के नेताओं को परेशान कर रहा था। महागठबंधन के नेताओं का मानना है कि जब तक एनडीए की सीटों की पहचान का ऐलान नहीं हो जाता तब तक वो भी इंतजार करेंगे। एनडीए में अब तक 3 घटक दलों ने अपने लिए सीटों की संख्या तय कर ली है। राज्य की 40 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाकी की 6 सीटें एलजेपी को दी गई है। अब तक माना जा रहा था कि संसद के सत्र खत्म होने के बाद सीटों का ऐलान भी कर दिया जाएगा, मगर सूत्र बताते हैं कि एनडीए ने 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में रैली आयोजित की है, लेकिन इसी बीच मांझी के तेवर महागठबंधन को परेशान कर रहे हैं। एनडीए में अभी सीटों का ऐलान होना बाकी है कि कौन सी पार्टी किस सीट से चुनाव लड़ेगी, वहीं महागठबंधन अभी सीटों का सही से बंटवारा भी नहीं कर पाया। ऐसे में मांझी की नाराजगी सबके सामने खुलकर आ गई है, जो महागठबंधन की परेशानी बढ़ा रही है। पहले खबर थी कि मांझी को महज 1 सीट मिलने वाली थी, लेकिन अब वो कुशवाहा से ज्यादा सीटें चाहते हैं, यानी कि मांझी 5 सीटों की हसरत रखते हैं, जो फिलहाल मिलना मुश्किल दिखाई देता है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।